पुत्रोनी जोग दुष्ट अश्वत्थामा ने मेरे पांच पुत्रों को मार दिया। आज पांचों पांडव द्रौपदी को समझा रहे, देखो देवी आप संतामत कीजिए, और जिसने भी हमारे पांच पुत्रों को मारा है ना उसे ला करके तुम्हारे चरणों में डाल देंगे, जो आपको उसके साथ करना है आप कर सकते। उसी समय अर्जुन ने अपने हाथ में गांडीव धनुष लिए और लेकर के अश्वत्थामा को जैसे ही मारने के लिए दौड़े हैं ना, उसी समय अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को देख करके और कहते हैं डर गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े, और जैसे गोविंद के चरणों में अर्जुन गिरे तो उसी समय अर्जुन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाभाव, कि कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम भयंकर है और तमे को दही मानम पवर्गो से संस्कृति। कि कृष्ण कृष्ण महाभाव कि कन्हैया मुझे बचाओ तो सही, गोविंद मेरे को बचाओ तो सही। उसी समय भगवान अर्जुन को देखा और कहा कि अर्जुन आप डरते क्यों, तुम सब कुछ भूल गए, आप जानते हो कभी विष की औषधि विष होती है, कभी कांटे को कांटे से निकालते, कभी लोहे को लोहे से काटते, तुम भूल गए। उसी समय अर्जुन को याद आ गया और अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया महाराज, और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत होकर के जमीन पर गिर पड़े, और अर्जुन ने उसी समय अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया और कहा कि लो देवी इसने तुम्हारे पांच पांच पुत्रों को मारा है, आप इसे एक बार इनसे पांच बार मार, इसके साथ जो कुछ भी करना चाहो आपकी जो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ये पांच बार नहीं मरेगा, मरेगा एक ही बार, तुम बताओ तो इसे कैसे मारा, जमीन में गाड़ करके मारे या जलती ही अग्नि में फेंक दे, बताओ तो सही, या इसके छोटे छोटे टुकड़े करके या जीव जंतुओं के सामने डाल दे, बताओ तो इसको कैसे मारे, बताओ तो। लेकिन इधर आप विचार करके देखो, सोचो तो सही कि इधर गोविंद जिसे बहन कहता है, यानी स्वयं गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, क्या उसके चरणों में अत्यंत श्रद्धा नहीं होगी? आज द्रौपदी बार बार कह रहे पांडव, आज उनके मन में क्यों श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि स्वयं भगवान जिसे सखी कहते हैं। आज द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया है और पता है द्रौपदी क्या बोले, अर्जुन की ओर इशारा करते हैं कि मुच्चिता मुच्चिता मेषम, कि मुच्चिता मुच्चिता मेषम और ब्राह्मणो नितरांगुर, मुच्चिता मुच्चिता मेष ब्राह्मणो नितरांगुर, छोड़ दीजिए इसे क्या मिलेगा इसे मार करके, बताओ तो। अर्जुन ने कहा कि क्या कहती हो देवी से, छोड़ दो इस पापी को जिसने हमारे पांच पांच पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी कहने लगी कि एक बात बताओ कि अगर इसको मारने से अगर हमारे पांचों पुत्र हमें वापस मिल जाएं तो आप इसे मार दीजिए, कोई बात नहीं, पर तुम जानते हो कि जिसे आप मारने के लिए जा रहे हो ये है कौन, ये आपके गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है, और तुम्हारे गुरु का शरीर छूट चुका है, तुम्हारे गुरु संसार में है नहीं, तुम्हारी केवल गुरु माता है जिसका नाम है गौतम, और उस माँ के हृदय पर क्या बीती, क्योंकि ये अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, तुम्हारे गुरु माता का इकलौता पुत्र है, उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी, तुम क्या जानो, क्योंकि एक मैं माँ हूँ और एक दूसरी माँ, यानी दूसरी माँ के कष्ट को पीड़ा को जान सकती, जिस तरीके से आज मैं अपने पांचों पुत्रों के वियोग में यानी पीड़ित तो हो रही हूँ, कुरई की भांति रुदन कर रही हूँ, इसे क्या मिलेगा मार कर। अर्जुन ने कहा
कि इनके मन में तो करना आ गई लेकिन राजनीति और संविधान में करना नहीं होती है और सट के साथ सटता का व्यवहार होना चाहिए। युधिष्ठिर जी से पूछा क्या करना चाहिए, युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया महाराज कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में भीमसेन कहने लगे कि अर्जुन अगर तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ये मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। अब इधर नकुल सहदेव कहने लगे कि मजले भैया ठीक कह रहे हैं, इसको मरना चाहिए, इसको मारना चाहिए। लेकिन द्रौपदी बार बार कहती कि इसे मत मारो, क्या मिलेगा इसे मार कर, क्यों? क्योंकि द्रौपदी किसे कहते हैं पता है? द्रौपदी कहते हैं महाराज दया को, द्रौपदी दया का स्वरूप है। और जीवन में याद रखना कि द्रौपदी के पांच पति क्यों हैं? द्रौपदी के पांच पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और द्रौपदी दया है और इन दया के साथ महाराज इन पांचों का होना बहुत जरूरी है। क्यों पता है? द्रौपदी के पांच पति हैं और पहले का नाम है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर किसे कहते हैं पता? युधिष्ठिर कहते हैं महाराज धर्म को। और उसके बाद भीम का नंबर आता है, भीम किसे कहते हैं पता है? भीम कहते हैं बल को। उसके बाद अर्जुन, अर्जुन कहते हैं आत्मा को। उसके बाद नकुल, और नकुल कहते हैं बुद्धि को। और सहदेव कहते हैं सुंदरता। और इन पांचों के साथ दया का होना जरूरी है महाराज। युधिष्ठिर धर्म करते हैं इसलिए धर्म सम्राट है, भीम बहुत खाते इसलिए बल की उपाधि दी गई है। और इधर अर्जुन भगवान की आत्मा है इसलिए आत्मनिवेदन है। और उसके बाद सहदेव पता है सुंदर है इसलिए सुंदरता का दर्जा दिया गया है। और नकुल यानी बुद्धिमान है इसलिए बुद्धि का दर्जा दिया गया है महाराज। और इन पांचों के साथ दया का होना जरूरी है। और इन पांचों के साथ दया नहीं होगी महाराज तो कोई व्यक्ति गलत कार्य कर सकता है। धर्म यानी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर धर्म, और धर्म के साथ दया का होना जरूरी है। अगर धर्म के साथ दया नहीं होगी, ध्यान देना मेरी बात पर, धर्म के साथ अगर दया नहीं होगी तो व्यक्ति अधर्म करने लगेगा महाराज। और दया होगी धर्म के साथ तो व्यक्ति धर्म करेगा, अधर्म नहीं करेगा। और दया हट जाएगी ना धर्म से तो पता है अधर्म करेगा, बिना अधर्म के वो रह नहीं सकता। इसलिए धर्म के साथ दया का होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर आता है भीम यानी बल। बल के साथ भी दया का होना बहुत जरूरी है। क्यों? बल राजा राम में भी है और बल रावण में भी है, लेकिन रावण के बल में दया नहीं इसलिए उसके बल ने यानी भक्षण किया, और राम के बल में दया थी इसलिए उनके बल ने यानी संसार का रक्षण किया है महाराज। तो बल के साथ भी दया का होना जरूरी है। रावण में बल है इसलिए बल के साथ दया नहीं थी इसलिए भक्षण किया, और राम के अंदर बल है लेकिन बल के साथ दया है इसलिए महाराज रक्षण किया। अर्जुन यानी आत्मा, यानी आत्मा के साथ दया का होना जरूरी है महाराज। जब तक आत्मा नहीं होगी हम सब आत्मनिवेदन नहीं हो सकते। नकुल यानी बुद्धि के साथ भी यानी दया का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि के साथ अगर दया नहीं होगी तो कहते मूर्ख व्यक्ति समझेगा नहीं महाराज। और सुंदरता के साथ भी दया का होना जरूरी है, क्योंकि सुंदरता के साथ अगर दया नहीं होगी तो व्यक्ति अपनी सुंदरता का अहंकार करेगा, गर्विष्ठ हो जाएगा। तो इसलिए इन पांचों के साथ दया का होना बहुत जरूरी है। लेकिन द्रौपदी दया का स्वरूप बार बार यही कहती है कि इसे छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा इसे मार करके। द्वारकाधीश स्वयं भगवान शांत खड़े हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया है कि प्रभु आप ही बताओ कि अब इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तो उसी समय भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया और अर्जुन से बोले कि ब्रह्म बंधुन्नहन्तव्यः
इति ब्रह्म बंधु न हन्तव्य अतताये बधारण और मैं भूमा मनातम पर पाहिनु शासनम। कि अर्जुन शास्त्र कहता है, भगवान कह रहे हैं, यानी भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन शास्त्र क्या कहता है कि ब्रह्म बंधुन हंतव्य, कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो लेकिन वो पूजनी और आतताई बधारण है, यानी आतताई कहते हैं कि जो बच्चों का हत्यारा है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ब्रह्म बंधुन हंतव्य, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो लेकिन पूजनी कि पूजिय बे प्र सकल गुणहीना, पूजी है बे सकल गुणहीना, पूजी है बे सकल गुणहीना, पूजी है बे सकल गुणहीना, सो इन गुण गण वेद प्रवीणा, वेद प्रवीणा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, धर्म जहित धर्म नहीं भाई, बड़ पीड़ा सब वेद अजवाई, बड़ पीड़ा सब वेद अजवाई, पूजिए विप्र शकल गुड़े, कि देखिए ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो लेकिन पूजनीय है, और बच्चों का जो हत्यारा है उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों बात, अर्जुन कहने लगे महाराज प्रभु दो चार जैसे न्यायाधीश आप जैसे और हो जाए ना, हो तो गया न्याय, अब क्या किया जाए, धर्म संकट में पड़ गया। भगवान ने उसी समय अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, तुमने मेरे को गुरु माना है और मेरे तुम्हें शिष्य माना है, और आज आप ही बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। तो अर्जुन समझ गए महाराज, अर्जुन समझ गए, और कहते उसी समय अश्वस्थामा के आधे सिर के बाल, आधी दाढ़ी और मस्तक पर जो मणि लगी थी ना, और भरी सभा से, और कहते हैं आधी दाढ़ी आधी मुझ और मणि को निकाल करके और भरी सभा से धक्का दे करके निष्कासित कर दिया। कहते जिस व्यक्ति का समाज में नाम है, ध्यान देना, जिस व्यक्ति की समाज में वैल्यू है, नाम है ना, समाज में प्रतिष्ठा है, और उसी व्यक्ति को समाज के सामने बेइज्जत कर दिया जाए ना, तो व्यक्ति मरने से ज्यादा होता है, मरता तो एक बार है लेकिन समाज उसे छेक दे, बेइज्जत कर दे, तो वो बार बार मरता है महाराज। तो उसी समय अश्वस्थामा को पता है, बिल्कुल निष्कासित कर दिया। लेकिन अश्वस्थामा को तो शुक्रगुजार करना चाहिए अर्जुन का, क्या कि काम तो मैंने मरने का किया लेकिन जरा सा मेरे को दंड दिया है। अब अश्वस्थामा के मन में बताई ईर्ष्या आ गई, और देखिए व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब जानते हो कि पड़ोसी का दुगुना अनहित करना, यही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है। अब कोई व्यक्ति मान के चलो कि पहले बेचारा 300-400 रुपए कमाता, अपना पेट भरता महाराज, धीरे धीरे उसने थोड़ा और कारोबार बढ़ा लिया महाराज, धीरे धीरे 1000 रुपए कमाने लगा, और समय बदल गया 2000 रुपए कमाने लगा। अब 2000 रुपए घर के अंदर आने लगे ना, तो उसने बढ़िया मकान मकान सब कुछ बना लिया, तो पता है मोहल्ला के आस पड़ोस के क्या कहेंगे, देख तो सही कल तो हमारे सामने मजदूरी करता और आज देख तो सही न जाने इसके पास कहाँ से पैसा आ गया इतना कि बढ़िया कोठी बनवा ली, भैया गाड़ी भी खड़ी कर ली। आजकल व्यक्ति अपनी दुख से दुखी नहीं है महाराज, आजकल दूसरा व्यक्ति जो सुखी है ना उसे देख करके व्यक्ति दुखी है, यही व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण है महाराज। एक कलयुगी भक्त था, ध्यान देना मेरी बात,
उसने ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने कहा कि बोल तेरे को क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं मांगा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा ने कहा कि एक बात बताओ, नारायण दे सकते हैं शंकर से? मैं नहीं दे सकता तुम्हें, तुम्हें मांगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी भक्ति की है, भजन किया है, तपस्या की है। अब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, आप देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन इतना याद रखना कि तुम जो मांगोगे ना उससे दूना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब व्यक्ति कहने लगा कि ब्रह्मा जी एक बात बताओ, भजन मैंने किया, तपस्या मैंने की, और मेरे से दोगुना पड़ोसी को मिलेगा? कि हाँ देख लो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके मन में भी थोड़ा लोभ आ गया ना, उसने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी एक काम करो कि मेरी एक बढ़िया कोठी खड़ी हो जाए, यानी एक कोठी खड़ी हो जाए। अब बेचारे पड़ोस वाले की दो कोठी खड़ी हो गई बगल में। वो कहने लगा ब्रह्मा जी एक काम करो, मेरे घर में एक कोठी में एक फोर व्हीलर खड़ी हो जाए। अब बेचारे बगल वाले के में दो फोर व्हीलर खड़ी हो गई। अब बेचारा मांग तो रहा है, उसे एक मिल रहा है, लेकिन पड़ोसी को दो ना मिल रहा है। अब उसके मन में बेचारा है कि एक काम करो ब्रह्मा जी कि मेरी एक आंख फूट जाए, यानी मेरी एक आंख फूट जाए। बेचारे पड़ोसी की दोनों नष्ट हो गई। ब्रह्मा जी एक काम करो, मेरा एक हाथ टूट जाए, बेचारे पड़ोसी के दोनों का। ब्रह्मा जी मेरी एक टांग टूट जाए, बेचारे पड़ोसी के दोनों। उसने कहा ब्रह्मा जी एक काम और कर दो कि मेरे घर के सामने एक कुआं बन जाए। अब बेचारे पड़ोसी के दो कुआं खड़े हो गए। बेचारा घर से निकला, कुएं में गिर गया। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है कि पड़ोसी का दुगुना अनहित करना। तो अश्वत्थामा को तो शुक्र गुजार करना चाहिए कि काम तो मैंने मरने का किया, लेकिन मेरे को अर्जुन ने जरा सा दंड दिया। लेकिन ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या क्या आई कि पांडवों के वंश में किसी को पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा, ये उसके मन में ईर्ष्या आई। और पता है क्या किया, मन में विचार किया कि अब पांडवों के वंश में बच्चा कौन है पानी देने के लिए, सबको तो मार दिया। तो एकदम याद आया कि महाभारत के युद्ध के समय, और कहते हैं अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा, और आज उत्तरा के गर्भ को 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं, और आज यही पांडवों के वंश में पानी देने के लिए बच्चा है, और आज उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए, और उसी समय, और आज अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा को पता चली, दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि पाहे पाहे महायोगिन, कि पाहे पाहे महायोगिन, और देव देव जगतपति नान्यं तद्भयं पश्ये यत्मृत्यु परस्परम्। पाए पाए महायोगिन, हे गोविंद हे गोपाल मेरी प्राण रक्षा करो, लेकिन मेरे को अपने प्राणों की जरूरत नहीं है, जो पांडवों के वंश में पानी देने के लिए बच्चा है ना, इस गर्भ की आकर के आप रक्षा करो। तो सही, तो उसी समय भगवान साक्षात प्रकट हो गए, 4 बुजारू धारण किया, और उत्तरा से कहा कि बेटी एक क्षण के लिए आप अपने हृदय में मातृभाव लाओ। तो सही, और उत्तरा ने उसी समय मातृभाव अपने हृदय में लाया है ना, तो भगवान ने छोटा सा सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश कर, और एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक से अंदर है। लेकिन कहते हैं ना, यानी भक्त के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती है महाराज, और ऐसी भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती। इधर द्रौपदी यानी कुंती को पता चली है महाराज कि मेरे पौत्र वधू के गर्भ की रक्षा स्वयं द्वारकानाथ ने की है, स्वयं केशव ने की है, और कुंती दौड़ी दौड़ी आई है और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, और पता है भगवान से प्रार्थना करने लगी, बार बार बंधन करने लगी, रुदन करने लगी, और कहने लगी कि हे श्री कृष्ण द्वारकावासी, कि हे श्री कृष्ण द्वारकावासी और देव देव जगतपति, हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप तो जगत के नियंता ही परात पर अखिलेश्वर ही, और देखा जाए जगत के नियंता है आप, साक्षात जगदीश्वर ही परम पिता हैं, और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जब ये बात कुंती ने कही ना, तो
तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, मैं तो आपका भतीजा हूँ और तुम जानती हो कि आपका जो छोटे भाई का पुत्र हूँ मैं। कुंती कहने लगी कि ये भी नाटक तुम्हारा बड़ा विचित्र है, किसी को आप भुआ बनाते हो, किसी को भूपा बनाते हो, लेकिन ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा आप हो, लेकिन आज मेरे को कोई प्रणाम करने से रोक नहीं सकता है। तो उसी समय भगवान ने सभा में संबोधित करके सब लोगों से कहा कि देखो आज हमारी भुआ हमें भगवान कहती है, परम ब्रह्म परमात्मा कहती है, जगत के अधीश्वर कहती है, जगत के नियंता कहती है, लेकिन ठीक है मैं परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, तो लेकिन आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए ना सबको मेरे से आज कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। तो उसी समय सबसे पहले युधिष्ठिर जी का नंबर आया कि बोलो तुम क्या चाहते हो। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो हर परिस्थिति में, चाहे जीवन में दुख हो चाहे संकट हो, हर परिस्थिति चाहे मेरे जीवन में कितनी भी आ जाए, लेकिन सत्य से कभी मैं पीछे ना हटूं और सत्य को मैं हमेशा अपने जीवन में अपनाऊं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा कि देखो प्रभु, सारा संसार लोग मुझे भोजन भट्ट कहता है, मेरी बड़ी बदनामी है, इसलिए खाते पीते हर समय तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हारा नाम और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन ने कहा कि देखो प्रभु, मैंने आपको गुरु माना है और तुमने मेरे को शिष्य माना है, तो गुरु शिष्य का रिश्ता हमारे तुम्हारे बीच बना रहे और ये रिश्ता कभी दिल से दूर। सुभद्रा का नंबर आया, सुभद्रा कहती है कि प्रभु एक ही वर दे दो कि आपके जो चरण है ना वो एक प्रकार के पिंजरा है और मेरा मन वो राजहंस है, और मेरा मन जो राजहंस है ना वो आपके चरण रूपी पिंजरा में आज से ही फंस जाए। क्यों पता है कि जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो व्यक्ति का कंठ अवरुद्ध हो जाता है और आपका नाम नहीं लेता है। उसके बाद सब लोगों ने मांग लिया, अंत में कुंती का नंबर आया और कहा कि बोलो भुआ तुम क्या चाहते हो। तो उसी समय कुंती ने बड़ा सुंदर जवाब दिया और कहा कि एक बात बताओ, मांगता तो वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ ना हो, और जिस व्यक्ति को पहले से ही सर्वस्व प्राप्त हो ना वो आपसे क्या मांगे। भाई जिस व्यक्ति को पहले से सर्वस्व प्राप्त है वो आपसे क्या मांगे बताओ तो सही। लेकिन भगवान कहने लगे देखो आज आपको मांगना पड़ेगा। तो उसी समय कुंती ने अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर दिया और कितना सुंदर वर्णन किया है कि विपद संतुन सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या और पुनर्भव दर्शन। कि विपद है संतो न सस्व, कि मेरे जीवन में यानी एक विपत्ति यानी दूर न हो उससे पहले मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति आ जाए, एक दुख दूर न हो उससे पहले मेरे जीवन में दूसरा दुख आ जाए और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान कहने लगे कि एक बात बताओ हुआ, विपत्ति दुख कोई मांगने की चीज है? आपने जन्म से लेकर के अब तक अपने जीवन में दुख भोगा है, कष्ट भोगे हैं, पीड़ा भोगी है, संकट झेले हैं, लेकिन आज जब मांगने की